खड़के साहब कन्हैया काले, हेलो हेलो मोहल्ला किरपा पवार साहब तरवेन एंगल गए हाथ चेंडू, प्री क्वार्टर फाइनल द नॉकआउट राउंड द लास्ट मैच ऑफ दिस सिक्स्थ हाफ। श्री तेज मावळा, कुर्डवाडी पुणे, पुणे विरुद्ध कुर्डवाडी असा सामना। दरम्यान पहिले षटक घेऊन येताना गोलंदाज अक्षय देशमुख, हवे चेंडू मात्र हा काहीसा डीप कव्हर रिजन मध्ये, नो मॅन्स लँड, बंजर क्षेत्रामधून हा चेंडू आरपार सीमापार कडक प्रहार आणि मिळाला केसीसी चषक 2023 करकम चौकार। उचवेष्टेच्या खूप बाहेर होता चेंडू, स्विंग आउट स्विंग आणि लास्ट मोमेंटला हा शॉट, क्या बात है। श्रीतेज मावळा 11, सध्या मात्र बॅटिंग करताना शेरू, मागाच्या सामन्याचा हिरो, 63-62 धावा त्याच्या खात्यात एका इनिंग्स मध्ये। ओ मिस टाइम, पकडा, बिलकुल पकडा, सोलापूर विरुद्ध पुणे आणि लढाई मात्र मोठी असणार आहे, तगडी लढाई, हाय फाय। चार वरती पहिला धक्का मगाच्या सामन्याचा, यापूर्वीच्या सामन्याचा, मॅच नंबर मावळा श्रीतेज संघाच्या दुसऱ्या सामन्याचा हिरो शेरू, बाद झेल बाद जिवारी लागणार असा हा मात्र धक्का असेल, झटका असेल। तर पहिल्या षटकात खटका मात्र उडवलाय आणि मला वाटतं या अगोदर दोन सामने खेळले पुणे, परंतु एकही विकेट काही गेला नव्हता आणि आत्ता मात्र पुण्याच्या फलंदाजाची विकेट आपण बघितली आणि ती पहिल्यांदा तिसऱ्या सामन्यात पहिला फलंदाज बाद झाला। यापूर्वी नाबाद हे मात्र हा मात्र संघ जिंकत होता। नवीन बॅट्समन शिरूची जागा घ्यायला नरसिंग पालमपल्ली, इसकी भी बैट चली, गेंद हवा में बिल्कुल यहां मिली लेकिन इनटू द स्टैंड में दिखी, कड़ाके का प्रहार। सातारा जिल्ह्यामधील सांगली जिल्ह्यामधील स्पर्धांमध्ये मी नरसिंगला अनेकदा बघितलं, काशीळचं मैदान असेल गांधीनगर, त्या तदनंतर मैदान ते मात्र तारगाव नांदगाव। नरसिंग पालमपल्ली, सिंग इज किंग, पहिली गेंद पे आणली ती मात्र गोलंदाजाला झिंग। पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसरा चेंडू डॉट, धावसंख्या काही सीधा एक गडी बाद आणि पाच चेंडू नंतर। श्रीतेज मावळा कुर्डवाडी पुणे, प्री क्वार्टर फाइनल, आउट स्विंगर ज्यादा बाहर, अंपायर के भी हाथ बार, गेंद नियमों के बाहर, मतलब वाइड करार, रूल नंबर 25 हैज बीन अप्लाइड बाय अंपायर सौरभ सर। वैसे सौरभ सर विटा से फिर एक बार आपके लिए कॉल है और इसके साथ बोल रहे कि भाई ये 40+ की 4 दिन की टूर्नामेंट है लेकिन परसों जाना है, लेकिन वैसे तो आप परसों यहां से नहीं जा सकते, 11 एक विकेट के नुकसान पर और एक ओवर के खेल के बाद। वैसे एक-एक का राज स्कोर बोर्ड पर, गेंद कहां से कैसे गई भाई, यहां गेट पार, विकेट कीपर के हाथ में चली गई। शाहजनीन राइडर्स जिया, दो बिल्कुल भी पैरों के बीच में से यह गेंद गई। वैसे हम ब्लॉक होल बैट और पैड के दरमियान, मतलब बैट और पैर के दरमियान जो क्या होता है उसको ब्लॉक होल बोला करते हैं, भाई इसको क्या बोलेंगे, दो पैरों के बीच में से। वैसे एक पैर तो स्टंप को ढका हुआ था, दूसरा स्टिक ऑफ स्टिक के, दूसरा दूसरा पैर जो है वो ऑफ स्टिक के मतलब और ऑफ साइड में था, तो वो जो गैप था वहां से गेंद निकली।
डॉट बॉल आई, दूसरा ओवर कौन लेकर आएंगे देखना है। और इसको भेजा डीप स्क्वायर लेग और बाउंड्री लाइन के पार कर दिया, चौका आया, कड़ाकेदार प्रहार, बैक फुट पे गए और इसको पुल किया, चेंडू मात्र गुल, चार वाला फिल, कड़क प्रहार, पहले चेंडूर ती चौकार, मला वाटतं संगू पाटील यांचं स्वागत केले, ते चार धावानी स्वॅक्सचे स्वागत। दरम्यान शरद शरद पारगे सध्या स्ट्राइकिंग एंड वरती, डीप स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगच्या मधून हवाई फायर, लगा दिया सिक्सर, कडक कडकडीत प्रहार, केसीसी चषक 2023 करकम तालुका पंढरपूर जिल्हा सोलापूर षटकार, पंचांना चेंडू देऊन टाका, पंच जुना चेंडू लागेल ना, यस जुना। दरम्यान 21 एक गडी बाद, दुसरा षटक प्रगतीवर, तिसरा चेंडू येणार आहे, सोलापूर विरुद्ध पुणे अशी लढाई, विद्येचं माहेरघर म्हणून पुण्याला ओळखलं जातं, तर सोलापूरची चादर प्रसिद्ध आहे, ती माती सुद्धा काहीशी सुती अशी चादर, विविंग मिल्स सोलापूरच्या मात्र फेमस आहेत आणि भारताबाहेरही या चादरी जातात, तसं सोलापूर सुद्धा, सोलापूर ही क्रिकेटसाठी आणि पुणे सुद्धा क्रिकेटसाठी प्रसिद्ध आणि फेमस। एस पी सर आले, कुछ दूध का प्याला नहीं मिला, ओ नहीं मिला, काफी नाराज है क्या? ये स्कोर इस वक्त जो है वो 21 है और एक विकेट के नुकसान पे 1.2 ओवर के खेल के बाद वाइड चा रिव्यू असेल, फलंदाजाने गोलंदाजाने या ठिकाणी रिव्ह्यू नाही असे त्यांचं म्हणणं आहे आणि हा रिव्ह्यू घेतलाय, बघूया काय झालंय, बघूया काय झालंय, चला वाईट पंचांचा इशारा येतोय, तिसऱ्या पंचांचा, टीव्ही पंचांचा आणि अंपायर कॉल, आणि अंपायरचा म्हणजे निर्णय जो असेल तो कंटिन्यू राहील, मग हा फिल्डिंग साईडचा रिव्ह्यू संपला म्हणायचा, संपला, सोलापूरकरांना आता रिव्ह्यू नसणार आहे लक्षात घ्या, वाईट कॉल, बिल्कुल बहुत जबरदस्त गेंदबाज संगू इस वक्त गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए शाजनीन राइडर्स क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सोलापुर टीम की ओर से संगू टू बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पर, लुफुल टॉस, इस बार गेंद को आसमान में उड़ाया और ये गेंद आएगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच, ओ एक हाथों में पकड़ा गया कैच, चमत्कारी कैच, और हमारे डीजे वाले बाबू द्वारा, अमोल मोहिते, अच्छा अमोल मोहिते द्वारा, बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं ये भी, इस बार फिर से गेंद को आसमान में ऊंचा उड़ाया, गेंद जाएगी बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री के दिशा में जाएगी, वहां पर यकीनंदा कैच पकड़ा है, विकेट गया है, एसपी सर वो कोना जो है ना ढका हुआ है, हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन स्क्रीन पर साफ नजर आया, देखा हमने, दिख गया था, और अच्छा कैच सोलापुर द्वारा, यहां शरद पारगे आउट होंगे, लेकिन मिस्टर रेवन देशमुख ने यह कैच पकड़ा, रेवन देशमुख का बेहतरीन कैच, ये देख सकते हैं रिप्ले में, अभी भी एक हाथों से में दर्शक ने जो कैच पकड़ा है वो रिप्ले में देख सकते हैं कितने बेहतर अंदाज का कैच अमोल द्वारा, मोहिते वो जो दर्शक है जिन्होंने कैच पकड़ा है, क्या बात है, अगर ये कैच अगर आईपीएल में पकड़ते तो लाख रुपए का इनाम उन्हें मिलता, बिल्कुल, और हमने एक इस, क्या एज लगा है, एज लगा है नहीं शायद, और इससे पूर्व हमने कुछ एक फॉरेन किसी ऑडी मतलब क्रिकेट लवर ने ऐसा कैच पकड़ा था एक टेस्ट क्रिकेट में, टोटल स्कोर हुआ 28 दो विकेटों के नुकसान पर और दो ओवर के खेल के बाद,
और कुछ हाथ में ग्लास ग्लास था और वो एक हाथ से कैच पकड़ा था, काफी वायरल हो चुका था वो कैच। वैसे देखा जाए तो वो कैसे एक कैच में बताना चाहूंगा जो कि आईपीएल शायद मैचेस में चल रहा था, जो कि हमारे सोलापुर सिटी के एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है अमोल घोड़के नाम के, वो पुलिस है और वहां पर ड्यूटी करते वक्त तो उन्होंने जो कैच पकड़ा पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ था कैच वो। बिल्कुल, वैसे हमारे अमोल भी फेमस हो जाएंगे, कोई बात नहीं। 28 पे 2 2 ओवर के खेल के बाद तो अब नए ओवर की शुरुआत करने के लिए एसके को गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा है, यानी कि वैसे भी श्रीकांत करा बैठे कहते बैठे बैठे ये कैच पकड़े, बैठे बैठे। हम कह सकते कि खड़े खड़े कैच तो पकड़े हुए देखा है, बिल्कुल ये बैठे बैठे कैच पकड़ा गया वहां पर। बिल्कुल, ओवर नया और मिस्टर श्रीकांत। चलिए, इसके इनका बढ़िया अंत, मतलब डॉट बॉल। और मिस्टर सिंह, सिंह इज किंग, नरसिंह। तो नरसिंह पालमपल्ली की अगर बात करना चाहेंगे, बिल्कुल हाँ, हन्नूर में अमदार चषक खिलाई गई थी, लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का इनका रिकॉर्ड है वहां पर। बहुत बड़े खिलाड़ी है ये, फंसा हुआ शॉट। और नरसिंह यहां पे पकड़े गए विकेटों के पीछे, उन्हें कैच कर लिया, लपक लिया। 28 पे 3रा झटका, 2.2 ओवर के खेल के बाद। अब उन्हें वापिस जाना पड़ेगा वहां पे। बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर ने पकड़ लिया, नीचे दी विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में चले जा रहे वहां पर कप्तान अमित तांबे अमित बड़े तांबे। स्टार खिलाड़ी है और चालाक है, चालाक है। एक कप्तान के तौर पे इन्होंने बिल्कुल भी कुछ बड़े बड़े कारनामे किया है, एक बल्लेबाज है। और अभी भी जब यहाँ पर डिंग डोंग क्रिकेट टीम के बिल्कुल विशाल कमलेश्वर से जो बातचीत हुई थी, इसी टूर्नामेंट के वजह से कृष्णा सातपुते दुनिया में चमके, क्योंकि यहां से उन्हें विशाल कामरे ने देखा था वहां पर खेलते हुए। अगेंस्ट खेले थे और कृष्णा के अगेंस्ट खेलने के बाद कृष्णा ने जो बैटिंग करी, उसके बाद कृष्णा को आमंत्रण दिया कि आप पुणे आ जाओ, डिंगडोंग में आ जाओ, और चले गए। वहां पर बल्लेबाज चले गए, वहां पर वापिस जाना होगा बल्लेबाज को, लगातार बैक टू बैक निकलने वाला, और एक झटका लगा, झटके पे झटका, जोर का झटका धीरे से लग रहा है। तो विशाल कंबड़ी की बात चल रही थी। विशाल साहब एक बड़े, बिल्कुल भी बड़े संगठक है, एक जबरदस्त टीम को उन्होंने कई हर्षों तक, बरसों तक, कई युग तक मैं कहूंगा, चलाया। नए बल्लेबाज कौन जा रहे देखना है, चलिए नाम बताइए नए बल्लेबाज का। रोहित रोहित, नॉट शर्मा बट इट्स रोहित। क्या वैसे ये हमारे लॉर्डशिप प्रमुख भी रोहित धोत्रे। गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे, और फिर गेंद इस बार आते ही गेंद को फ्लैट स्ट्रोक खेला, इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ ये छक्का लगाया जा रहा। थोड़ी सी प्लाइट गेंद मिली, बल्लेबाज को आमंत्रित किया, बल्लेबाज ने कहा कि आपने तोहफा दे दिया, मैंने कबूल कर लिया, लंबा छक्का लगा दिया इस बार। दो हाथ से कबूल कर दिया, थैंक यू सो मच भाई। अब मेरे टीम के लिए मैं 6 रन बनाने को जा रहा हूं, बना दिए 6, 34, 4 के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी और मिस्टर श्रीकांत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट, लंबा चौड़ा, और इसके पीछे भी खिलाड़ी भागा दौड़ा, लेकिन कोई नहीं फायदा। छक्का यहां पे बहुत ही कड़ा और बड़ा है जड़ा। इस 6 के साथ टोटल में बढ़ोतरी, टोटल 46। आखिरी गेंद तीसरी ओवर की आना बाकी, लेकिन ये रिप्ले देखिए, थोड़ा सा वाइड थी गेंद, जबरदस्त ये लॉफ्टेड स्ट्रोक आड़े बल्ले से। और मिस्टर रोहित बहुत ही दो क्लासिक गेंदों पर रन, 2 छक्के जड़े इन्होंने और 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। बिल्कुल, वैसे तो रोहित नाम के खिलाड़ी को हिटमैन कहा जाता है, और आते ही हिट लगा रहे बल्लेबाज रोहित वापर।
दो गेंदों में दो छक्के जड़ने के बाद अब कहीं जाकर यह गेंद काफी अच्छी फेंकी गई, वहां पर फुल लाइन गेंद थी। एक्रोस्टो खेलने की कोशिश में गेंद के लाइन से मिस हो गए, साथ ही साथ थोड़े से भाग्यशाली भी रहे, गेंद ऑफस्टंप के काफी करीब से जा रखे विकेट कीपर के हाथ में। और जहां तक की ओवर्स की बात करना चाहेंगे, तीन ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। स्कोर है श्रीतेज 11, मावला 11, क्रिकेट टीम का स्कोर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर, लास्ट 6 बॉल्स टू गो ऑफ फर्स्ट इनिंग्स, एंड दिस फर्स्ट इनिंग्स ऑफ लास्ट मैच ऑफ द डे 6। गेंदबाज कौन आ रहे हैं देखना है, गेंदबाज को मनोज माने सोलापुर की ओर से। वैसे ये रोक दी, दो खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन और दो रन, तो इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रनों की योग पर 42 रन। बस इस बार गेंदबाजी करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। एसपी सर, ये पूना वाले इस वक्त थोड़ा सा बैटिंग में जो वन स्ट्रोक, क्या बेहतरीन, क्या बेमिसाल स्ट्रोक निकलता हुआ, पटकी भी गेंद थी और ये पटका हुआ स्ट्रोक लगा दिया, लंबा छक्का लगाया जा रहा, पटके उठा के फेंक दिया। इसका मतलब इसको मारा कम घसीटा ज्यादा, खिलाड़ी भाई से ये भी है दादा अनुराग, अनुराग बोहिते पहला ये छक्का उनके बल्ले से, तीन गेंदों पर 8 रन बना चुके हैं। मनोज माने बोले तो मिस्टर यमयम, ये नो बॉल, शायद विकेट शॉर्ट, समिट विकेट का रूल यहाँ पे फॉलो किया अंपायर साहब ने, बड़ा तजुर्बा बड़ा अनुभव और ये फ्री हिट का भी इशारा कर रहे हैं। अंपायर अपना हाथ गोल गोल घुमा रहे, इसका मतलब आपने उन्होंने लाइसेंस दे दिया जी। ये फ्री हिट लॉन्ग ऑफ की तरफ गई बार, वन बाउंस के बाद फ्री हिट का पूरा फायदा, बिल्कुल बहुत ही तेज तर्रा स्ट्रोक खेला गया वहां पर। अनुराग के बैट से निकलने वाला ये दमदार प्रहार निकलता हुआ, एक खिलाड़ी जो लॉन्ग ऑफ के थोड़े से वाइडिश थे और इस वजह से गेंद जा रही है बिल्कुल 6 रन की दिया। एक छक्का एक चौका इनके बैट से, इसे तो भागे है टोटल इनका 12 कुलियोग। ये फंसा हुआ शॉट क्या है जी, है मिस टाइमिंग शॉट, ऊपरी सिरा बल्ले का और वहां पर कैच पकड़ा है एसपी सर, अक्षय देशमुख ने वहां पर कैच पकड़ा, वहां पर बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा जा रहा है, बिल्कुल अभी भी रुका हुआ स्कोर 53 रन। वैसे अक्षय देशमुख फिर वापस आए अपने फ्लो में, हालांकि एक बुरा सपना सा उन्होंने देखा पिछले मैच में, जबकि उन्होंने कुछ 48 रन खर्च करे थे, एक बुरा सपना सा, चले आज भी पूरे भारतवासियों को एक बुरा सपना भारतवासियों ने देखा और उस बुरे सपने को जल्द ही हमारे दिमाग से हम डिलीट करना चाहेंगे, हमारे स्मृतियों में बिल्कुल भी उसको जगह नहीं देंगे। श्रेयस साहब क्या बोल रहे हैं, पुन्नायन, अच्छा मैं पुन्नायन नहीं, आता आम्ही म्हणायचं का असं या नाही, आता आल्यावर काही खरं नाही बघा 53 सागडी बाद तुमचा लगान होणार, मग 53 सागडी बाद, आणि तशी प्रत्येक भारतीयाची अपेक्षा आहे। 2003 पासूनचा हिसाब चुकता करायचा होता, परंतु ते काय या वेळेस शक्य नाही झालं, परंतु अभी भी भाई हमने कहा क्रिकेट खेलना छोड़ा है भाई, और कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यहाँ भी नहीं हुई, आखिरकार गेंद को पकड़ा शॉर्ट कवर रीजन में और एक दो रन, कितने रन भागे यहाँ पर, 2 रन भागे, टोटल 55 रन बने हैं। जीतने के लिए 56 रन का टारगेट दिया जा रहा है, मैच जीतने के लिए 56 रन का टारगेट होगा वहां पर, अब तक 56 बनाना है, वैसे एक बार बना है और वो चला भी, टिकट खिड़की ने बहुत कुछ सुनहरे अवसर देखे, महसूस किए
लेकिन फिर एक बार आपको अब तक 56 बनाने हैं। वैसे देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पे इस वक्त रन संख्या जो नजर आ रही है, अक्सर बच्चे और बूढ़ी के लिए जो अच्छी कहावत बन सकती है राज सर, उम्र 55 दिल 55, स्कोर हो चुका है इस वक्त 55 रन। आप पीके को देखकर तो नहीं कह रहे? ओहो, पीके को देख के ही कर रहे, उम्र 55। असेल जाणार आहे अंतिम मात्र 8 मध्ये, आता ते पाहायचंय राव। 24 चेंडू 56 आणि हे पाहायचंय तुम्ही पण। नाही बल्कि राहुल झिपरे हैं। गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पहली ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे, या वहां पर शायद रोहन आएंगे या राजेश राजेश सोरटे आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। व्यक्तिगत कोटि का बिल्कुल पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे राजेश सोरटे। सामने है किरण अंबाल की दिया। सोलापुर के बल्लेबाजों को अगर ये मैच जीतना होगा। चलिए कैश द पावर प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले पावर प्ले का बिल्कुल जो खेल है एक ओवर का, उसको आप अपने नाम कर दीजिए। बाकी जो कुछ है बचे कुछ है जो खिलाड़ी होंगे या फिर बैट्समैन होंगे, बाकी का बैटिंग लाइनअप जो होगा वो आएगा और अपने हिसाब से या फिर प्लानिंग के तहत कुछ आगे जाएगा। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए। बॉलिंग करेंगे बीच राजेश राठौर, और दिग्गज से गेंदबाजी करेंगे। सामने होंगे बल्लेबाज किरण अंबाल होंगे स्ट्राइक पर। 56 रन का टारगेट। पहली गेंद, ये गेंद, ओ पहली गेंद बहुत ज्यादा दूर जा रही है। अंपायर बता रहे कि बैट बॉल है और बैट बॉल के साथ रन बनाने की शुरुआत हो रही है। टोटल स्कोर केवल 1 रन की योग पर साजनीन राइडर्स क्रिकेट टीम सोलापुर का स्कोर केवल 1 रन। राजेश सोटे इस वक्त तो स्टार्ट कर रहे अपना पहला ओवर। बड़ा हिट आगे डाली थी, अगेन नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और इसको लपक लिया। सोलापुर टीम को पहला झटका। ये झटका नहीं बल्कि बड़ा झटका मैं कहूंगा। जो बल्लेबाज में प्रतिभा है, जो बल्लेबाज में क्षमता है, उस बल्लेबाज का विकेट चला गया। किरण अंबाल का विकेट चला गया पहली गेंद पर। और किरण ने अब तक बनाए थे ढेर सारे रन। वो बल्लेबाज मैन इन फॉर्म किरण इस वक्त आउट। चले नए कौन आ रहे बल्लेबाज? मनोज माने, बोले तो एमएम। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही मनोज माने, यानी कि माने ना माने मनोज माने बैटिंग करने के लिए आ रहे वहां पर। खिलाड़ी जाने माने मिस्टर मनोज माने, आप माने या ना माने लेकिन मैं मनोज माने। लेकिन इनके भी है बहुत सारे यहां पर दीवाने। चलेंगे फिर से इस बार राजेश को विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ गेंदबाजी करेंगे। दुगने जुनून के साथ जब भी राज किसी गेंदबाज को विकेट मिलता है तो गेंदबाज का हौसला तो जरूर बढ़ता है, और बढ़ते हौसले के साथ, बढ़ते जुनून के साथ, बढ़ते जज्बे के साथ
गेंदबाजी करेंगे राजेश टू बल्लेबाज मनोज के लिए। विकेट का टॉनिक, उसके बाद ये बिल्कुल भी डॉट डिलीवरी और कुछ ये भी गेंद ऑफ स्टिक के बाहर से लपेटना चाहते थे मिड विकेट एरिया में, पूरी तरह फंस गए। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने किनारा नहीं छुआ। बल्ले को किसने किया, ये जाएगी बाहर सीधा मारा, ये धोनी काइंड ऑफ शॉट, वीरेंद्र सहवाग काइंड ऑफ शॉट था, बिल्कुल हॉट, सीधा बाहर। केसीसी ट्रॉफी 2023-4 इस बार ये गेंद स्टंप में डाली गई थी। बिल्कुल बल्लेबाज के बिल्कुल बैट शॉट सिलेक्शन की मैं तारीफ करना चाहूंगा। बॉलर के ऊपर से मारा स्ट्रेट ड्राइव का स्ट्रोक का, बी में जब भी किसी गेंदबाज का बैट्समैन का अगर स्ट्रोक लगता है तो निश्चित ही बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस 4 रन के साथ खाता खुला। मनोज मानेगा टोटल स्कोर 5 रन। ये देखिए फिर से गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची चली जा रही है, नीचे है खिलाड़ी, बढ़िया कैच पकड़ा जा रहा है, विकेट जा रही है वहां पर, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा गया वहां पर। वन मोर विकेट, पूना बैक इनटू द मैच एंड स्ट्रॉन्गली बैक इनटू द मैच। 5 रन्स 2 विकेट्स आणि 5 धावांसाठी 2 विकेट्स म्हटल्यानंतर हा काही क्रिकेटचा स्कोर सध्या तरी वाटत नाहीये, कैसा कबड्डीच्या खेळाचा किंवा काहीसा फुटबॉलच्या खेळाचा हा स्कोर वाटू लागलाय। बल्लेबाजी में कमाल करने वाले खिलाड़ी वहां पर अब फील्डिंग में धमाल कर रहे, यानी कि रोहित वहां पर 2 कैचेस लेने में कामयाब रहे। अक्सर क्रिकेट की जो कहावत होती है टेक कैच विन मैच कहा जाता है, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है। आणि एसपी सर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की या संघासोबत जे काही इथं खेळाडू आहेत पुणे संघाचे, या खेळाडूंच्या सोबत किंवा या खेळाडूंच्या बद्दल मिस्टर विशाल कांबळे साहेबांचा विश्वास तो हाई लेवलचा आहे। निश्चित आज त्यांनी सहज बोलले मगाशी की आज कुठली टीम इथे समोर असू देत काही फरक पडत नाही आमच्या संघाला। लॉन्ग ऑन, ये बंदा है ऑन एंड इट्स ओवर द रूफ, फटका मात्र छान कडक प्रहार केसीसी चषकबंदर 23 षटकार। तो निश्चित ही बल्लेबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, आते ही बल्ले के बीचों बीच लेकर ऑन द स्ट्रोक यानी कि बैकहैंड वाला स्ट्रोक निकलता हुआ और गेंद जा रही है बिल्कुल लॉन्ग ऑन सीमारी का पार करती गेंद 6 रन के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर छक्के के साथ आगे बढ़ रहा स्कोर 11 रन। इस बार फिर से गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश भी, गेंद हवा में है, नीचे है फील्डर, नीचे भी कैच लिया जा सकता है, शुरू नहीं पकड़ा कैच, विकेट जा रही है, लगने वाला 3रा झटका लगा वहां पर। नीचे थे फील्डर, बैट्समैन को आउट होने का डर, लेकिन क्या आखिर हो ही गए, आखिर ये 3रा विकेट, सोलापुर ऑन बैकफुट। मोनिश पहली गेंद पे छक्का जड़ा, लेकिन उसके बाद दूसरी भी गेंद पर मारने का प्रयास मिस टाइम हो गए और बाहर जाने का टाइम भी बिल्कुल प्राप्त कर गए 11-3 पहले ओवर के बाद। अब देखिए 56 तक पहुंचने का जहां तक सवाल है तो अभी भी कुछ चाहिए 45 रन, तो 45 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे वहां पर राहुल झिपरे होंगे, स्ट्राइकिंग एंड पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे श्रीकांत कलागत है और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए नए ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज है प्रथमेश। प्रथमेश गेंदबाजी करेंगे, सामने है राहुल झिपरे के लिए, बार बार मौके नहीं बनते आपके लिए हीरो बनने के लिए, ये राहुल के लिए आज मौका है। इस गेंद को देखा जैसा बरका इस बार छोड़ा है, गेंद आएगी बिल्कुल विकेट कीपर के हाथ में, गेंद चली जा रही है। क्या राहुल यहां पे बनाएगा अपने रूल, काटो को फूल। निश्चित ही यहां पर राहुल के रूल नहीं बल्कि अंपायर के रूल चलेंगे वहां पर, बिल्कुल अंपायर के रूल चलने वाले। अंपायर तो बिल्कुल अपने घर से रूल नहीं लाता, ये भाई क्रिकेट के खेल के रूल होते हैं। हाँ ये देखिए क्रिकेट का रूल यूज किया यहां पर और वाइड का करार, 25वां रूल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। वैसे जानराव साहब यहाँ पे, जान राव कमला कर जान राव और उनका भी काफी अच्छा काम चलता हुआ,
ये चीज लाओ वो चीज लाओ, ये देना है वो देना है, सब कुछ कर लेते हैं। ये वाइड बॉल चमक रहा है पीके साहब, मिस्टर ग्रैंडफा महेंद्र सिंह धोनी की तरह गरम दूध पीने वाले, बिल्कुल माही के चाय। इस बार पैरों के पास आई गेंद को ऑनसाइड में फ्लिक स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद आएगी बिल्कुल स्क्वायर लेग क्षेत्र में, एक ही रन आएगा वहां पर, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और इस बार ये दूसरा रन के लेने की कोशिश में विकेट चले गए वहां पर। ये होता है तालमेल की कमी, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, राहुल जिपरे अपने आप का ये विकेट अपने आप खोया है वहां पर, कोई जरूरत नहीं थी दूसरा रन लेने की वहां पर। तर मैदानात मात्र क्रिकेट मधली आत्महत्या, अनावश्यक धाव बळी, धावबाद, आणि या धावबाद होण्यामध्ये मात्र सर्वस्वी दोष हा त्या संबंधित धावबाद होणाऱ्या फलंदाजाचा असतो, खेळाडूचा असतो, म्हणूनच ती क्रिकेटची आत्महत्या। नवीन बॅट्समनची एंट्री, रेवंत देशमुख मेरे ख्याल से बैटिंग करने के लिए मैदान में जाएंगे, वहां पर नए खिलाड़ी रेवंत देशमुख। रेवन विल टेक द प्लेस ऑफ राहुल। 14-4 गड़ी बाद टिप्पा खाई, फिर इस बार एक ही रन बनाने का मौका मिलता था। यहां से अगर बैटिंग टीम को मैच जीतना होगा थोड़ा सा बल्लेबाजी का गियर बदलने की जरूरत है, लेकिन मैं फील्डिंग टीम की अगर बात करना चाहूंगा, फील्डिंग टीम की गेंदबाज निरंतर अंदाज में विकेट पे विकेट छटका रहे हैं। 15 पिच आ रहे, जीत का लक्ष्य 56 है, तो अभी भी देखिए 41 और रनों की आवश्यकता, 41 फ्रॉम 2.5। सीधा कमेंट्री बॉक्स के तरफ, वहां पे अच्छा प्रयास था रोहन खराज का, अच्छा प्रयास, छोटे बिल्कुल कद काठी का ये खिलाड़ी, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपना, एसपी साहब आपने भी बताया कि अपना बहुत कुछ कम वक्त में बहुत बड़ा नाम कर दिया है। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। प्रथमेश टू बल्लेबाज श्रीकांत, यानी कि एसके के बैट से निकलता हुआ ये दमदार प्रहार निकल रहा है, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21 रन की योग पर। चलेंगे अंपायर कुलकर्णी, कुछ समय ले रहे वहां पर, बॉलर को तैयार होने के लिए, लेकिन ये वाइड करार आया और एक एक्स्ट्रा के स्वरूप में रन आएगा, 22 टोटल हो जाएगा, लेकिन लगातार 6-6 मैचेस। चलो तीसरे अंपायर की वो दाद मांगी जा रही है, वाइड बॉल है या बॉल यहां पर काउंट किया जाएगा, तीसरे अंपायर साहब आ रहे हैं, तीसरे अंपायर की मदद यहां पर ली जा रही है। वैसे कि एसपी साहब बहुत, चले वाइड का कुछ पानी का पानी दूध का दूध हो रहा है, चला अपन लीगल डिलीवरी असल्याचा तिसऱ्या पंचांकडून निर्वाळा येत आहे। वाईट रिटर्न घेतलाय, परंतु चर्चा चाललेली होती इथे की तर इथे तिसऱ्या मेन पंचाची आणि तारीफ आपण करत होतो, स्टॅमिनाची आपण चर्चा इथं करणार आहे। ऑन साइडला मारला चेंडू, सासा सामने, या ठिकाणी एसपी सर उपस्थित म्हणजे उभा राहणं अंडर लाईट आणि प्रत्येक जजमेंट।
थर्ड अंपायर मनो मिस्टर अकनय काले सर काम पाहताय तिथे मैच रेफरी बाबर का कन्हैया काले सर है वहां पर मैच रेफरी थर्ड अंपायर। और अभी भी अगर मैं स्कोर की बात करना चाहूंगा दो ओवर के समाप्ति पे 22 रनों की योग पे स्कोर है। यहां से मैच जीतने के लिए 34 रन चाहिए। बावीस चार गड़े बाद दोन षटकानंतर इस टीम के सितारे गेंदबाज रोहन खरात दोन षटक राहिली आणि सोलापूरकरांना पाहिजे असतील एसपी सर काहीशा 34 धावा। ये गेंद टर्न के साथ गेंद को लपेटा गेंद आ रही है बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पे गेंद आ रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में फिर भी एक ही रन आएगा इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। यहां से अगर मैच जीतना होगा तो ना चलेगा इक्का दुक्का जीत के लिए चाहिए चौका छक्का जीत चाहिए तो यहां पर आक्रमक स्ट्रोक लगाने होंगे गेंदबाजों को केवल एक ओवर जितनी डॉट गेंदें चली जाएगी जितने सिंगल डबल जाएंगे तो निश्चित ही फील्डिंग टीम के लिए काफी किफायत होगा। सितेज मावला 11 कुलडवाड़ी पुणे टीम के बीच ये मैच इस वक्त जारी है। रोहन खरात विल स्टार्ट द थर्ड ओवर already he started next ball oh share it out chendu आता पहा एसपी सर प्रसाद हा फक्त कैसा मंदिरातच मिळतो असं नाहीये तर क्रिकेटच्या मैदानात सुद्धा मिळतो प्रसाद महाप्रसाद इतक्यातच आपण बघितलेलं मग आत्ताच काय होतं सर महाप्रसाद होता का प्रसाद होता अगदीच तुम्ही प्रसाद ही समजू शकता महाप्रसाद ही समजू शकता। इस बार गेंद को मारने की खास करून आपण टेनिस लेदर क्रिकेट बघतो आणि टेस्ट क्रिकेट बघतो इंटरनॅशनल लेव्हलला फलंदाजाला पाठीवर पोटावर मानेवर हेल्मेटवर पॅडवर अगदी महाप्रसाद भेटत असतो। चलेंगे फिर से इस बार गेंद इस बार टर्न के साथ गेंद को मारना चाहते थे गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को फिर से चकमा दे रही है। ये बहुत ही उंगलियों की जादू इनके हाथ में चलती है बिल्कुल एक ही टप्पे से ये अभी का अभी वाला जो गेंद थी कैरम गेंद की तरह यहाँ पर गेंद को फेंका जा रहा है। आहा बहुत बढ़िया गेंद इस बार काफी जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी की जा रही है रोहन खरात की ओर से वहां पर कमाल धमाल धमाल पे धमाल स्विंग का किंग किंग ऑफ स्विंग मिस्टर रोहन खरात आणि रोहन खरातची वरात फलंदाजाच्या दारात आणि रोहन खरात मात्र अगदी पूर्ण भरात धावसंख्या 25 चार गडीबाद आणि 3 षटकाचा खेळ बघता बघता संपला। आता मात्र शेवटच्या चेंडूमध्ये 31 धावा बनवायच्या आहेत 2 धावा केवळ रोहन खरातनं खर्च केले तर एसपी सर आणि षटक कधी सुरू केलं आणि कधी संपलं कळलं नाही इथं मॅच आता शेवटचे 6 चेंडू 31 धावा शेवटचे 6 चेंडू 31 धावा गोलंदाजीला मला वाटतं सनी आलाय गोलंदाजीसाठी इथं मॅच हरणारा संघाला जावं लागेल घरात आपापल्या अपने अपने घर जो भी हारेगी वही जाएगी अपने घर और जो जीतेगी पहुंचेगी बिल्कुल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल राउंड्स में। इस बार गेंद को मारा जा रहा गेंद आएगी बिल्कुल बिरवी के क्षेत्र में गेंद आ रही है जब तक कि फील्डर फील करते फिर भी एक ही आएगा। अब मैच जीतना होगा तो किसी भी हाल में हर गेंद पर छक्का लगाना होगा रिंकू सिंह वाला कारनामा। वैसे कुछ मिनटों पहले कुछ घंटों पहले यहां पर मिस्टर शिरू ने 7 छक्के एक ही ओवर में जड़ दिए थे वो पहली बैटिंग थी उनकी तो उनके खिलाफ अभी ये टीम खेल रही है सोलापुर और सोलापुर को कारनामा करना है। बहुत बढ़िया गेंद और ये बिल्कुल सुबह जो मैच वहां था कुर्डुवाड़ी में उस मैच का यहाँ पर जवाब लिया जा रहा है निश्चित ही इस टीम को अब हार के कगार पर भेज रही है टीम। बिल्कुल अगर वहां सोलापुर जीती है तो यहां पर पुणे वाले कह रहे कि भाई हिसाब पूरा करेंगे हम चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी करेंगे ये गेंद
बहुत अच्छी गेंद इस बार, बहुत स्लो रफ्तार से गेंद आई, बार बल्लेबाज कुछ चकमा देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में, गेंद चली जा रही है अनुचित। वैसे देखा जाए तो दिन का बदला रात में लिया जा रहा है वहां पे। श्रीकांत जी पाटिल इनकी टीम इस वक्त आगे बढ़ रही है, मैच जीतने के लिए मावड़ा प्रतिष्ठान कुर्डवाड़ी आगे चले गए। लपटे स्ट्रोक लगा जा रहा, फिर से आ रहे रोहित, रोहित के हाथ से कैच छूटता हुआ वहां पर, रन लेने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे सनी टाकतो गोलंदाजीला, दरमियान चा चुंडू टप्पा पड़ला तो थोड़ा सा वळण घेतोय फिरतोय आणि फलंदाला मात्र या चुंडू ऑनसाइड दिशेने खेळायचा होता, चुंडू दोन पायावर आदळतोय। इथं मात्र या अच्छा दिवसातील अच्छा रात्रीतील शेवटच्या चुंडूची आपल्याला वाट पाहावी लागेल सामना संपण्यासाठी। एका चेंडूवर 30 धावा असा फटकाच नाहीये भावा। सर एक चेंडू इथं मात्र डिफेन्सिव्ह खेळला गेलाय आणि या सामन्यात मात्र पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं गेलंय, सामना जिंकलाय श्रीतेज मावळा 11 कुर्डवाडी पुणे संघाने हा सामना जिंकलाय। मावळा प्रतिष्ठान क्रिकेट टीम यहां पर मैच जीत रही है, हार्दिक अभिनंदन करेंगे हम श्रीकांत जी पाटिल इनकी टीम, विशाल जी कांबळे आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन होगा, आज का हाफ आपकी टीम ने क्लियर कर लिया। तो कल इस टूर्नामेंट में सातवें हाफ में नए टीमों का महासंग्राम होगा, सातवें दिन में सातवें नए चार टीमें आएंगी लड़ने के लिए भिड़ने के लिए, और कल होगा केसीसी का महासंग्राम जिसका सातवीं शाम में आपके साथ होंगे। बैक टू tenniscricket.in चैनल।